नाश्ता खाऊंगी। तो जल्दी जल्दी से अब कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं वेजिटेरियन और फिर उसको संभाल के। अब हम वेट कर रहे हैं बिल कराने के लिए। पहले खाना ले लिया और अब यहाँ पे पेमेंट होगी। ये है नाइस चाहिए मोचीटो और ये हमारा पिज्जा। लंच करने के बाद मिलते हैं गाइस आपसे फिर। सेल्फ सर्विस हो गया है, पेट पूजा हो गई है, अब अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये है एंटीलोप हॉल और ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से भी पहले की बनी हुई है। इसके अंदर पूरे जू की हिस्ट्री है, मतलब वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा जू टूट गया था पर ये बिल्डिंग वैसी की वैसी ही थी। बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है हमें। लोग यहाँ पर विश मांगते हैं और अपनी विश पूरी होने के लिए फिर यहाँ पे कॉइन्स डाल के जाते हैं। कितने कॉइन्स पड़े हुए हैं यहाँ पे? 10-12 यूरो तो निकल ही आएंगे। मोस्टली 10 सेंट और 50 सेंट है। अभी यहाँ पर हम आए थे जिराफ देखने के लिए लेकिन कोई जिराफ दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि वो बाहर की साइड हो क्योंकि ये डोम के अंदर वाला एरिया, हो सकता है कि उनका घर है अंदर वाला तो बाहर शायद हमें मिल जाए, तो देखते हैं। Das läuft aber echt nah an einem. Milchia-Giraffe! बारिश में वो भी बाहर नहीं आ रहे हैं, अंदर ही छिपे हुए हैं और घास खा रहे हैं वहीं खड़े होके। उन्हें भी बारिश लग रही है ना, तो हमने छाता ले लिया और वो अपनी छत के नीचे चले गए। दोस्तों मजा ही आ गया, हमें लगा था कि लॉयन नहीं मिलेगा और हम जा रहे थे कुछ और देखने के लिए। इधर देखते हैं कि केव में अपने लॉयन बैठे हुए हैं, मजा ही आ गया देख के। लायन और लायनेस दोनों एक साथ, ये नीचे लायन बैठा हुआ है गुफा में और ऊपर लायनेस बैठी हुई है। ये वही कैनाल है जिसके बारे में बता रहे थे। जू के साइड से निकल रही है। वो
सबसे पहले लगा था कि बाहर से कोई भी आ सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ से फेंसिंग की हुई है तो बाहर से नहीं आ सकते लोग। बट वो पार्क भी अच्छा है वैसे, यहाँ पे पार्क तो बहुत है, मतलब कहीं भी जाओगे ना पार्क तो बहुत मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपको वो पार्क्स भी देखने हैं तो हम वहाँ जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। घोंसले यहाँ पे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एनिमल भी है, ब्लैक बक। इंडियंस काफी रिलेट कर सकते हैं इसे। That sounded naughty. नेंडूस है, नेंडूस। इसके मुंह से है ना धुआं निकल रहा है बड़ा। ऑस्ट्रिच पीछे पड़ गया इसके, इसको भगा रहा है। डॉन है यहाँ का ये, एक फ्रेम में कितने तरह के जानवर आ गए। मैं बताऊँ कितने तरीके के, बहुत सारे तरीके के। Everybody here is very proud of you. I don't wanna let myself down. The struggle was real. यहाँ पे सीढ़ी लगा रखी है, यहाँ से जाते होंगे। इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर रखी है इनके लिए। एक बार से जाते हैं। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। एकदम स्टैचू लग रहा था दूर से देखने में। अभी रियलाइज हुआ कि असली है। और इसके तो दांत भी हैं। हाँ, इसके दांत है पीछे वाले के। फाइनली क्लियर व्यू दिया। बड़े एलिफेंट राजा ने अपने दर्शन दे दिए। हाँ चलो दोस्तों और आगे चलते हैं। Come on. ये तो फर्स्ट टाइम है जब मैं फ्लैमिंगो देख रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने फ्लैमिंगो देखा और इतने सुंदर लग रहे हैं ना, इनका कलर इतना प्यारा आ रहा है, बहुत ही। ये पिंकिश है बहुत ज़्यादा। पिंक और रेड के बीच का कोई कलर है। और सबकी टैगिंग की हुई है, सबके पैरों पर। और क्या, टैगिंग तो ज़रूरी होती है, नहीं तो कोई भी उड़ गया तो कैसे ढूंढेंगे। कुछ डार्क कलर के या कुछ लाइट कलर के। दोस्तों अब आप देखेंगे ये पेलिकन्स इतने सुंदर नजारे के साथ, मतलब होपफुली वही है लग रहा है पेलिकन्स है। हाँ, क्योंकि बैठे भी उसी पोजीशन में जैसे पेलिकन बैठता है। मुझे तो ये बेरीज बड़ी अच्छी लग रही है, कहीं पे ब्लैक है कहीं पे रेड है। इनका भी कलर देखो कितना प्यारा है, एकदम डार्क रेड कलर का।
क्या फनी नाम है बोंगो, ऐसे बोंगो बोंगोला चा 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 वो रे इसी पे बनाऊंगा ना दोस्तों। आज काफी भारी मात्रा में जानवर देखने को मिले हैं, कुछ मिले हैं और कुछ नहीं मिले हैं, कुछ बारिश की जैसे अपने घरों के अंदर थे। गार्डन में फ्लावर ऐसे सिंगल उगते हुए पहली बार देखा एकदम जमीन में। अरे ये पीछे क्या है तुम्हारे एक्वेरियम? हाँ हम वहाँ पे भी जाएंगे अभी।